आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत। 5 साल के तैमूर ने कर दिया कमाल। ताइक्वांडो में तैमूर ने जीती येलो बेल्ट। चैंपियन बेटे के साथ पोज देते हुए गर्व से फूले नहीं समाए सैफ और करीना। बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार किड तैमूर अली खान अपने क्यूट लुक्स की वजह से सभी के फेवरेट हैं, तो वहीं वो अपनी बदमाशियों और स्टारी नखरों के लिए भी खासे मशहूर हैं। बीते दिनों तैमूर ने अपने रूड बिहेवियर की वजह से भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। आज भी तैमूर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह उनकी बदतमीजी या फिर बदमाशी नहीं बल्कि उनकी जीत है। इस बार तैमूर ने किया है एक ऐसा काम जिसके बारे में जानकर आप भी तैमूर की पीठ थपथपाएंगे। नवाब सैफ और उनकी बेगम करीना के लाडले छोटे नवाब तैमूर अली खान ने ताइक्वांडो में जीत ली है येलो बेल्ट। जी हाँ, सिर्फ 5 साल की उम्र में तैमूर ताइक्वांडो के येलो बेल्ट चैंपियन बन गए हैं। दरअसल बीते दिन सैफ और करीना अपने बेटे के साथ बांद्रा के एक ताइक्वांडो ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे थे, जहां पर तैमूर का बेल्ट प्रमोशन टेस्ट था। इस दौरान सिर्फ तैमूर ही नहीं, सैफ और करीना भी बेटे का मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड दिखे। अंदर जाने से पहले सैफ करीना ने तैमूर के साथ पोज दिए, वो भी ताइक्वांडो स्टाइल में। मम्मा करीना के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। पेपराजी को पोज देते हुए भी करीना सुपर हैप्पी मूड में दिखी। वो भी क्यों ना, आखिर उनका नन्हा लाडला येलो बेल्ट चैंपियन जो कहलाएगा। थोड़ी देर बाद ही तैमूर जब अपने मम्मी पापा के साथ बाहर आए तो उनकी कमर पर सजी थी ये येलो बेल्ट। येलो बेल्ट पहने तैमूर की ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। फैंस भी चैंपियन तैमूर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, ये इसको टाइगर श्रॉफ की तरह ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, तो एक दूसरे फैन ने लिखा, टिम टिम सबसे स्मार्ट है। हालांकि इस बार भी तैमूर ट्रोलिंग से बच नहीं पाए। एक यूजर ने तैमूर को ट्रोल करते हुए लिखा, ये कुछ नहीं भी करेगा तब भी मेडल देंगे इसको, फेम पब्लिसिटी स्टंट। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, इनके बच्चों को कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है और मिडिल क्लास के बच्चों को बेकार वाला। वैसे बेल्ट प्रमोशन डे के दौरान सिर्फ तैमूर ही नहीं बल्कि उनकी गॉर्जियस मम्मा करीना कपूर खान ने भी खूब लाइमलाइट बटोरी। अपने लाडले टिम के इस खास दिन में शामिल होने के लिए करीना बेहद खूबसूरत लुक में पहुंची थी। ब्राइट सनी डे के लिए करीना ने इंडिगो ब्लू कलर की शर्ट को चुना और इसे उन्होंने लाइट ब्लू कलर की डेनिम रेट्रो पैंट के साथ टीम अप किया था। उन्होंने अपने लुक को हील्स और अपने सिग्नेचर रेड बोल्ट लिप्स के साथ कंप्लीट किया था। इस स्टर्निंग लुक में करीना बेहद शानदार दिख रही थी, तो वहीं उन्हें परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे उनके नवाब सैफ। सैफ भी हमेशा की तरह सफेद टी शर्ट और डेनिम पैंट में बेहद जबरदस्त लग रहे थे, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे येलो बेल्ट चैंपियन तैमूर अली खान। ब्यूरो रिपोर्ट E24। रानू मंडल ने गाया सलमान खान के साथ गाना। जुगलबंदी ऐसे की आपके चेहरे पर भी आ जाएगी मुस्कान। रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर चर्चा में आई रानू मंडल को भला कौन ही भूल सकता है। एक वायरल हुए वीडियो से वो रातों रात स्टार जो बन गई थी। आलम यह था कि जब सिंगर हिमेश रेशमिया ने उस वीडियो को देखा तो उन्होंने रानू को फिल्म में गाना गाने का मौका तक दे दिया था। हाँ, वो बात अलग है कि रानू की लाइमलाइट कुछ दिनों की ही मोहताज थी और वो अब गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। लेकिन इसी बीच अब एक बार फिर रानू मंडल खबरों का हिस्सा बन गई है। अब वजह ही कुछ ऐसी है, आखिर रानू ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ एक रोमांटिक गाने पर जुगलबंदी जो की है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कब हुआ, तो चलिए हम बताते हैं आपको। दरअसल सोशल मीडिया पर रानू का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों साल 1958 में आई फिल्म चलती का नाम गाड़ी का सुपर हिट गाना हाल कैसा है जनाब का गाते दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप भी इस वीडियो को सच मान रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वीडियो दो अलग अलग जगहों का है लेकिन एक साथ जोड़ दिया गया है।
आपको बता दें कि दोनों के अलग अलग वीडियोस को एडिट कर एक बनाया गया है। किसी शख्स ने सलमान खान और रानू मंडल के दो अलग अलग वीडियोस को मिक्स करके सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके बैकग्राउंड में ये गाना भी लगा दिया गया है। जहां मेल वर्जन को सलमान खान गाते दिख रहे हैं, तो वहीं फीमेल वर्जन को रानू मंडल गा रही हैं। हालांकि ये वीडियो बेहद पुराना है, लेकिन ये देखने में बहुत ही मजेदार लग रहा है। लोग भी इस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं। एक ने लिखा गजब, तो एक यूजर ने लिखा उठा लो रे देवा। बता दें कि रानू मंडल भले ही इन दिनों लाइमलाइट से दूर है, लेकिन रानू के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। बीते दिनों रानू मंडल पुष्पा फिल्म के गाने श्रीवल्ली पर डांस करती दिखाई दी थी। इससे पहले रानू कच्चा बादाम गाना गाती दिखी थी, जिसे पश्चिम बंगाल के मूंगफली विक्रेता भुवन बड़ियाकर ने गाया था। सिर्फ कच्चा बादाम गाना ही नहीं, बल्कि इससे पहले मांगी के मागे ही थे, एक हजारों में मेरी बहना है और सहदेव दिर्दो और बादशाह के बचपन का प्यार गाने को भी रानू मंडल गाना गाती दिखी थी। गौरतलब है कि 2019 में रानूघाट रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर के मशहूर गीत एक प्यार का नगमा है को गाती दिखी थी। इसके बाद रानू मंडल रातों रात इंटरनेट पर छा गई थी। बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया ने रानू को गाने का मौका भी दिया और रानू रातों रात लाइमलाइट में आ गई। हिमेश रेशमिया ने अपनी मूवी हैप्पी हार्डी एंड हीर के लिए उनसे दो गाने रिकॉर्ड करवाए और वो मशहूर हो गई थी। फिल्म का गाना तेरी मेरी कहानी काफी हिट हुआ था। हालांकि हिमेश जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने के बाद जिस तरह से रानू को पॉपुलैरिटी मिली, उतनी ही तेजी से वो गुमनाम भी हो गई, क्योंकि लोगों का कहना था कि रानू मंडल अपने ही घमंड का शिकार हुई है। रानू मंडल को चुटकियों में जो फेम मिला था, उसे वो अपने घमंड की वजह से संभाल नहीं पाई। रानू को कई बार फैंस और मीडिया के साथ भी बदतमीजी करते देखा गया था। जिस तरह से रानू रातों रात स्टार बनी, उसने उन्हें अहंकारी बना दिया था। अब रानू लाइमलाइट से दूर है। रिपोर्ट्स की माने तो वो अपना नया घर छोड़कर रानाघाट के पुराने घर में चली गई हैं। रानू के पास इस समय अब कोई काम नहीं है। वहीं कुछ समय पहले खबरें आई थी कि रानू मंडल पर अब एक बायोपिक भी बनने जा रही है। इस फिल्म का नाम मिस रानू मारिया होगा और उसका डायरेक्शन ऋषिकेश मंडल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आज आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल है, बिकॉज आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू माय वेरी मोस्ट फेवरेट पर्सन एंड वेरी वर्सेटाइल एक्टर। वी हैव जयेश भाई इन द हाउस। आपका बहुत बहुत स्वागत है रणवीर सिंह। नवीन जी, इट इज गुड टू बी विद यू। आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग। ये मेरे सारे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, पता है, डैफी डक और बग्स बनी, पॉर्की पिग। आई लव इट, वेरी वेरी क्यूट। थैंक यू सो मच, हैप्पी टू बी चैटिंग विद यू। बताओ यार, कैसे हैं आप? बातचीत करते हैं, अच्छी बात। हाउ आर यू? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द पॉप्स। मैंने रियलाइज किया है लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, बस पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। जब भी कोई पूछे ना हाउ आर यू, तो चाहे हो या ना हो, हमेशा बोलना चाहिए कुछ पॉजिटिव। राइट, बोल के फिर शायद आप पांच आदमी को ऐसे बोलोगे तो शायद आपका जो इंटायर बीइंग है वो शायद बिलीव करने लगे कि हाँ यार, मैं हूँ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यू नो, हज दे से आप ये मैंने कुछ ये इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल पेजेस होती हैं ना, राइट, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कोट्स एंड व्हाट नॉट, उसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि योर बॉडी, आई थिंक ईस्ट में, ओरिएंट में सिखाया जाता था, चीन या जापान में, कि या ब्रूस ली कहता था, आई कांट रिमेंबर व्हेन एंड हाउ आई सॉ इट और रेड इट और हु सेड इट, बट कहते हैं कि योर बॉडी डजंट नो द डिफरेंस। तो आप नेगेटिव मत बोला करो, क्योंकि आप वो बोलोगे तो थॉट्स बिकम वर्ड्स, बिकम एक्सप्रेशंस, बिकम थिंग्स, दे विल बिकम अ रियलिटी। तो हमेशा शुभ बोलो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, तो
लॉजिक वर्क्स बोथ वे, आप नेगेटिव बोलोगे तो आपके आपका वाइब्रेशन लोअर होगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो गए पॉजिटिव बोलोगे तो आपका वाइब्रेशन खुद ब खुद रेज होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है सबको कि जब भी कोई पूछे जो नॉर्मल सा सवाल है, हाउ आर यू, बोलो आई एम ग्रेट, आई एम सुपर्ब, आई एम डूइंग फैंटास्टिक, आई एम डूइंग आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे बोलो। ट्राई करके देख लो, फिर देखो बताओ, मेरे को भी बताओ। सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं, ट्विटर वगैरह, जिसके द्वारा आप मुझे बता सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये पैंतरा वर्क करता है कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा, टॉकिंग अबाउट जयेश भाई का जब ट्रेलर आउट हुआ था, हमने कहीं पे पढ़ा कि दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द गर्ल गैंग जो आपके साइड में, लाइक दीपिका, योर मॉम, योर सिस्टर। किस तरह का रिएक्शन आया था जब ट्रेलर आउट हुआ था? ट्रेलर आउट हुआ था तो अलग अलग रिएक्शंस मिले मुझे, सबको अच्छी लगी, लेकिन जिस कारणों की वजह से वो अच्छी लगी सबके लिए अलग था। मोस्टली सब लोग कह रहे थे यार एक बार फिर अब जिस तरीके का आपका रन रहा है, आपने खिलजी किया, फिर सिम्बा, फिर गली बॉय, फिर कपिल देव, एक एक कैरेक्टर एक दूसरे से इतने डिफरेंट और डाइवर्स, इतना वर्सिटिलिटी रेंज आपने डिस्प्ले किया, शोकेस किया हाल ही में, और अब एकदम नए अवतार में, मतलब नेवर बिफोर सीन, ऐसे लगता है ये क्या कॉमेडी करने जा रहा है। बेसिकली इस जयेश भाई जोरदार के जो प्रोमोज थे ना, सबके इंटरेस्ट को पीक कर गए कि यार ये क्या बना हुआ है रणवीर अब, और ये क्या बच्चे का फीटस हाथ में लेके लड़का होगा या लड़की, कुछ तो इंट्रीगिंग इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो जनरली सबका रिएक्शन अलग था, लेकिन यूनानिमसली पॉजिटिव था। सबसे बेस्ट कमेंट किससे मिला आपको और क्या मिला? सबसे बेस्ट कमेंट मुझे मेरी वाइफ से मिला, क्योंकि वो जब कॉम्प्लीमेंट देती हैं तो हिट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि वो अक्सर नहीं देती हैं, थोड़ा थोड़ा करके देती है, हर चीज़ में नहीं देती है, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। तो जब भी उनसे कॉम्प्लीमेंट मिलता है, शी रियली मीन्स इट, एंड इफ़ शी मीन्स इट एंड शी सेड समथिंग, तो इट तो वो मेरे, मतलब मेरे साथ कनेक्ट और करता है, रेजोनेट करता है। कपिल देव 83 देखकर उन्होंने जो कहा, उन्होंने जयेश भाई जोरदार का ट्रेलर देख के मुझे उस बात की याद दिला दी, याद है मैंने तुझे कहा था कि शायद ही हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री में तू एक ऐसा एक्टर है जिसने इतनी वर्सिटिलिटी दिखाई हो या इतने डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स प्ले किए हों कि एकदम ऐसे कौन घुसता कौन है इतना कैरेक्टर के अंदर हमेशा, मतलब बाजीराव देख लो, खिलजी देख लो, कुछ भी देख, उठा के देख लो, बिट्टू देख लो। तो मैंने कहा यार बेबी ये तो तुम्हारा प्यार है, ये तो सिर्फ तुम मुझसे मोहब्बत करती हो इसके लिए ऐसे बोल रही हो, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। तो फिर उसने कहा नहीं तुझे तो पता है मैं एवं ही कुछ नहीं बोलती हूँ तुझे, फिर बैठ के गिनती कराई, तू बता सब सबसे एक्टर्स में से, हाँ शायद कैरेक्टर एक्टर्स ने किया हो लेकिन मेन स्ट्रीम लीडिंग मैन में से किसने किया है, तू गिनती कर और देख अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ कि फैक्ट बोल रही हूँ। मैंने भी बैठ के गिनती की, फिर मुझे भी लगा हाँ यार तेरी बात तो सही है। तो जब जयेश भाई उसने देखा यू डिड इट अगेन, मैंने बोला क्या मतलब, बोला फिर तूने रंग बदले अपनी गिरगिट की तरह, जो मैंने तुझे कपिल देव के टाइम पे बोला था मैं अभी तुझे वही बोल रही हूँ कि तेरा दिस एबिलिटी ऑफ योर्स टू क्रिएट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स इतने हद तक कि यकीन नहीं कर पाए कि ये वही है, मतलब जयेश को देख लो और दूसरी तरफ कोई और कैरेक्टर जैसे अलाउद्दीन खिलजी को उठा लो, ये ऑलमोस्ट बंदे को यकीन ही ना हो कि ये सेम इंसान है। तो उसने वो पॉइंट आउट किया मुझे, तो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा, और यही मेरा एंडेवर रहा है कि मैं एक रिकग्निशन पाऊँ एज अ वर्सेटाइल एक्टर, और लोगों को भी लगे कि ये वर्सेटाइल है, कुछ भी कर सकता है, और अगला क्या करेगा उसके लिए हमेशा एक एक्साइटमेंट बरकरार रहे। तो ऐसा हुआ है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बिल्कुल, हम सब भी एक्साइटेड है कि अगला क्या है। हाँ, अगला क्या है, जयेश है वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स, मतलब नरेशन सुन के ही मुझे इस बंदे से प्यार हो गया था, और मैंने दिव्यांगों को कहा आई वांट टू, आई हैव टू बी दिस गाय, ही इज जस्ट सो लविंग, जस्ट सो लवेबल, सो एंडियरिंग, इतना प्यारा बंदा है, उन्होंने कहा यार ये तो मुझे करना है। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा सुनने को मिला कि ये जो किरदार है वो आपने अपने पिता से डिस्कस किया था या कुछ इंस्पायर्ड है समथिंग, क्या स्टोरी अगर बताना चाहिए? देखिए मेरी शादी अभी हुई है, 3 साल हो गए हैं, हमने मेरे बच्चे नहीं हैं,
तो मैं एक फादर का रोल कर रहा हूँ. ब्रीफली एक सेक्शन में मैंने बाजीराव मस्तानी में किया था, लेकिन फोकस उस फादरहुड वाले एंगल पे नहीं था, किसी और चीज़ पर था बाजीराव मस्तानी में. इस फिल्म में एंगल यही है कि फादरहुड वाला एंगल है. अब मैं चूंकि फादर नहीं हूँ, तो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस में मुझे सिर्फ मेरे फादर के एक्सपीरियंस और माय एक्सपीरियंस विथ माय फादर इज समथिंग दैट आई हैव टू टैप इनटू और एक्सेस, वरना मैं कैसे जानूंगा. तो जब मैं अपने इमोशनल मेमोरी में जॉग बैक करता हूँ, तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब मुश्किल दौर चलता था, लेकिन पापा कुछ भी करके हम लोग पर आँच नहीं आने देते थे. दौर कैसा भी चल रहा हो, ही वुड डू एवरीथिंग इन हिज पावर टू मेक श्योर कि हमें कभी ऐसा लगे नहीं, कि महसूस ना होए कि बुरा टाइम चल रहा है या यू नो. तो उसके लिए अब जब मैंने जयेश प्ले किया है, तो अब जब भी मैं सोचता हूँ, तो उस टाइम पे भी मुझे पता था, मैं रिकग्नाइज करता था, बच्चा था पर इंट्यूटिव था, और मुझे पता था कि सब ठीक नहीं है, लेकिन और मुझे पापा की कोशिश भी नज़र आती थी साफ साफ वहाँ उस टाइम पे, कि ये तो देखो कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऐसा लगे नहीं कि क्या चल रहा है, लेकिन हालांकि चल रहा है, और वो हमें शील्ड कर रहे हैं, उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो अब जब मैंने जयेश प्ले किया, वो सारी मेमोरीज मैंने एक्सेस की, और जयेश प्ले करने के बाद मुझे लगता है कि मेरे फादर ने हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी बहन के लिए, मेरी मम्मी के लिए जो कुछ भी किया, बिल्कुल यू नो, अपना सारा एफर्ट, अपनी सारी एनर्जी लगा दी इस कोशिश में कि हम सुरक्षित रहें. हाँ. कि हम खुश रहें. मेरा अगला सवाल ये था रणवीर, दिव्यांग भी नए हैं, शालिनी भी नई थी, क्या कुछ ऐसा रिस्क था इस किरदार को प्ले करने में, कुछ ऐसा आपने ये क्यों रिस्क उठाया? बिकॉज ये किरदार, मतलब व्हेन आई वाज वाचिंग इट, मैं जेन्युइनली बताऊं, मैं आपको नहीं देख रहा था. इट वाजंट लाइक रणवीर सिंह, इट वाज जयेश भाई. तो क्या ऐसा रिस्क लगा आपको? हाँ, रिस्क ही तो था भाई साहब, मैं ये एडमिट करूँगा कि रिस्क तो था, क्योंकि मैंने हमेशा से सोचा था कि देख भैया, मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड है नहीं, मैं पला बड़ा नहीं हूँ फिल्मों के आगे पीछे, मेरे डैडी कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ये अज्यूम नहीं करूँगा कि मेरे अंदर स्क्रिप्ट सेंस है या मैंने कोई स्क्रिप्ट सेंस डेवलप किया है. तो मैं हमेशा एक फिल्म मेकर के कन्विक्शन पे जाता था कि कोई एक ऐसा फिल्म मेकर हो जिनकी फिल्में मैंने देखी हैं जो बहुत बढ़िया लगी मुझे, और अगर उनके साथ चांस लग जाए तो क्या बात है. तो ऐसे ही मैं उन्हीं दिग्गज डायरेक्टरों के साथ, एस्टैब्लिश्ड बड़े नेम, बिग नेम डायरेक्टर्स, बिग टिकट डायरेक्टर्स के साथ काम करता, जैसे संजय लीला भंसाली, रोहित शेट्टी साहब, जोया अख्तर मैम, कबीर खान, करण जौहर, लेकिन आदि सर, जैसे कि आपने कहा. लेकिन एक दिन आदि सर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार ये स्क्रिप्ट आपको ज़रूर सुननी चाहिए, मुझे ही बता दे कि मुझे जो लगता है मैं सही हूँ क्या इसके बारे में. तू करे नहीं करे, मुझे लगता भी नहीं है तू करेगा, तू तो बड़ी फिल्में करता है, ये विशाल बजट होते हैं, माउंटिंग स्केल, बड़े बड़े नाम डायरेक्टर, बड़े कोस्टार, बड़ा, तू तो वो फेज से चल रहा है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आके सुन ले. मैंने कहा ठीक है, आके सुन लेता हूँ. अगर आप ऐसे बोल रहे हो, रोज़ रोज़ तो आपका फ़ोन नहीं आता ये बोलते हुए कि भैया कुछ स्पेशल मटेरियल आ गया मेरे हाथ में, आके देख लो. तो मैं गया, और वो जो मैंने नरेशन में फील किया पहली बार दिव्यांग से मिलके, वो मैं डिनाई नहीं कर पाया. जयेश भाई से आपका टेक अवे क्या है? मेरा टेक अवे यही है कि आई हैव अ मच मच डीपर अप्रिसिएशन फॉर एवरीथिंग दैट माय फादर डिड टू प्रोटेक्ट मी एंड माय सिस्टर थ्रू आउट माय लाइफ एंड आवर लाइव्स एंड या आई थिंक इससे बड़ा कोई टेक अवे है ही नहीं. कि कभी कभी क्या होता है, लॉपसाइडेड होता है, आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अपने किरदारों में डाल के प्रेजेंट करते हैं. कभी कभी क्या हो जाता है, एक किरदार ऐसा आता है जिसको प्ले करने के बाद आप भी कुछ अपने बारे में ही सीख जाते हो. तो वैसे टाइप का एक्सपीरियंस रहा मेरा जयेश के साथ. लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे,
मैं जब दीपिका से बात कर रहा था तो उन्होंने ये बात कही थी कि उन्होंने जो OTT पे डेब्यू किया था उसके लिए आपने उन्हें रिकमेंड किया था, तो क्या मूवी से रिलेटेड भी चीज़ें डिस्कस होती हैं आप दोनों के बीच में? हाँ बिल्कुल होती हैं, उतना नहीं होती हैं शायद जितना वन वुड इमेजिन, क्योंकि दीपिका हमेशा सोचती थी कि काम को परे रख के हमें और बातें करनी चाहिए ज़िंदगी को लेकर, दुनिया को लेकर, अलग अलग विषयों पर, सिर्फ काम ही नहीं, लेकिन काम की भी बात होती है, लेकिन जितना शायद कोई इमेजिन कर पाए कि दो ऐसे लोग हैं जो एक्टर्स हैं और रोज़ टाइम स्पेंड करते हैं तो वही बातें होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कम ही होता है एक्चुअली, वो काफ़ी अपने जो प्रोफेशनल डिसीजंस हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंटली लेती हैं। इनफैक्ट मैं उनको ज़्यादा कंसल्ट करता हूँ, मैं उनका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, करता हूँ खुद की, लेकिन ज़रूर उनका ओपिनियन ज़रूर लेता हूँ, और इट्स वंडरफुल टू हैव अ पार्टनर जो अपने आप में इतनी बेहतरीन अदाकारा हैं, अभिनेत्री हैं, कलाकार हैं, जिनको कला की कला का इतना ज्ञान है, तो मेरे लिए वो एक एडवांटेज हो जाता है कि जब मैं मेरी कोई भी चीज़ हो, पिक्चर हो, ऐड हो, परफॉर्मेंस हो, कहीं भी अगर मुझे कोई ओपिनियन ऑब्जेक्टिव जानना हो, और दीपिका का नेचर ही ऐसा है, वो झूठ नहीं बोलती, तो जो भी बोलती है मुंह पे बोलती है, सीधा सीधा बोल देती है, वो किसी चीज़ से या किसी बहुत इंडिपेंडेंट रही है ना ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी, तो वो किसी से डरती नहीं है, और शी इज़ नॉट शाई टू एक्सप्रेस हर सेल्फ इफ़ शी फील समथिंग, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं, ऑब्जेक्टिव रहती हैं। आज तक हम एक साथ, अभी हमें भी 10 साल होने को आए हैं, अभी भी उतनी ही ब्रूटली ऑनेस्ट है मेरे साथ, जो मेरे लिए काफ़ी एडवांटेजेस रहता है। इट्स रियली एडवांटेजेस टू हैव अ पार्टनर हु हैज सच अ वास्ट नॉलेज ऑफ द आर्ट्स। आर्ट्स तो खैर एक तरफ, बिजनेस साइड में भी उनका इतना नॉलेज है, तो इट हेल्प्स मी इन माई वर्क। हालांकि डिसीजंस मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मतलब मेरी पूरी लाइफ में मैंने ऐसे ही किया है, मैं सुनता सब क्यों, करता खुद क्यों, तो लेकिन उनकी बात सुनता ज़रूर मैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच रणवीर हमारे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड दिस वाज माय बकेट लिस्ट। सेम, क्या बोल रहे हो, क्या बात है, थैंक यू, मार दो टिक, एक मोटा सा टिक मार दो उस डब्बे के नेक्स्ट टू, एंड वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर जयेश भाई, आपको बहुत पसंद आएगी सर, फैमिली को जरूर लेके जाना, क्लीन फैमिली एंटरटेनर है ना, तो अकेले नहीं जाना आप, या तो यार दोस्तों को लेके जाना, लेकिन मेरे ख्याल से यार दोस्तों से ज्यादा आपको फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, बच्चे बूढ़े अगर है आपके फैमिली में उनको लेके जाना, क्योंकि ये एक ऐसी पिक्चर है ना, एकदम क्लीन फैमिली एंटरटेनर जिसे बोलते हैं, कि ज्यादा वायलेंट नहीं है, कि बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए, कि घर की लेडीज को पसंद नहीं आया, बहुत ज्यादा धार था, या थोड़ा मतलब एक मैच्योर थीम था, तो बच्चों को नहीं दिखा सकते, या मम्मी पापा के साथ बैठने में थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इतनी क्लीन फैमिली एंटरटेनर है, आपको सबको लेके जाना चाहिए और साथ में देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।